हेलो क्लास, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 10 है। इसकी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक एरिया। क्लियर? इसके पहले हमने पढ़ा था पेरीमीटर। पेरीमीटर में हमने देखा था कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर में हमने सिर्फ जो फिगर दिया रहता है इसकी हम बाउंड्रीज को ही काउंट करते थे। अब हम पढ़ रहे हैं एरिया। एरिया में क्या होता है कि एरिया में बेटा जो हमें यहाँ फिगर दिया होता है, इस फिगर में ये जो बाउंड्रीज होती है, इस बाउंड्रीज के अलावा जो अंदर में पूरा पार्ट होता है वो हमें लेना होता है। तो इसमें जो एरिया है, जैसे कि हमें यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें एरिया हमें फाइंड करना है। तो पेरीमीटर में देखिए, ये हमें जो ये बाउंड्रीज दी गई है उसको लेते थे, लेकिन एरिया में ये जो है बॉक्स, हम ये पूरा फिल लेंगे। ठीक है, ये अंदर का पूरा एरिया ये लिया जाता है। ठीक है बेटा, कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा। पेरीमीटर में हम सिर्फ बाहर की बाउंड्रीज लेते थे, और एरिया में हम ये बाउंड्रीज के अंदर जो रहता है जितना एरिया, उसे मतलब उसे फाइंड किया जाता है। क्लियर? इसके बाद देखिए बेटा, आपका अगेन एक तो ये स्क्वायर्स हो गए, इसमें हमें थोड़ी सी हिंट दी होती है। जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर्स दिए गए हैं, ये हर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का यहाँ हमें स्केल दी होती है। तो यहाँ पे जैसे ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 1 1 हम पेरीमीटर में इसी तरह फाइंड करते थे ना, तो सेम उसी तरह से एरिया में भी होता है। ठीक है, ये जो पूरा बॉक्स होता है इसमें, ये 1 सेंटीमीटर का है। तो इस बॉक्स को हम कितना काउंट करेंगे? पूरा 1 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट होगा हमारा एक और है, इसमें जो फिगर दिया होता है इसका भी हमें एरिया फाइंड करना है। लेकिन देखिए बेटा, इसमें जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, इसमें स्क्वायर्स जब फिगर बन रहा है तो ये स्क्वायर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो स्क्वायर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं उन्हें भी देखिए क्या कहते हैं। पहला है ये फुल स्क्वायर। फुल स्क्वायर मतलब ये जो पूरा स्क्वायर कवर है, ये है हमारा फुल स्क्वायर। इसके बाद है हाफ स्क्वायर। यहाँ देखिए, ये पॉइंट कॉर्नर से कॉर्नर ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये हो गया हमारा हाफ स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसे हम हाफ स्क्वायर कहते हैं। और ये है मोर देन हाफ स्क्वायर, मीन्स आधे से ज़्यादा जो स्क्वायर है। यहाँ देखिए, ये पूरा स्क्वायर, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ हो रही है, तो देखिए ये हाफ से ज़्यादा है। ठीक है, हाफ से ज़्यादा पार्ट जो है वो फिगर के अंदर है। हमें फिगर के अंदर वाला पार्ट से यहाँ देखना है, बाहर के साइड वाला नहीं। क्लियर? तो बस यही दोनों हमें इस एक्सरसाइज में देखनी है, हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर एंड फुल स्क्वायर। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट पेज। इसमें देखिए, इसी टाइप से और भी फिगर्स हैं। इसमें भी हमें वही सेम हाफ, मोर देन हाफ, ये फिगर्स देखने हैं। इसके बाद देखिए बेटा, एक थोड़ा सा आप जनरल नॉलेज के लिए हमें यहाँ थोड़ा दिया गया है। एरिया ऑफ इंडिया इज, हमारे जो इंडिया का एरिया, मतलब हमारे अर्थ पे जो इंडिया बना हुआ, इंडिया का मैप होता है, उसका जो एरिया है, ठीक है, कितने पूरे अर्थ में कितनी एरिया में हमारा इंडिया है। तो इंडिया का जो एरिया है वो लगभग 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? जो अर्थ पे हमारा इंडिया है, इंडिया का जो मैप है पूरा, उसका जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और एरिया ऑफ चाइना, चाइना का जो है वो 95,96,961 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्लियर? और उसी तरह से यूएसए, यूएसए का जो है एरिया है वो है 98,33,515 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? ये सारी बातें मैंने आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बताई है। क्लियर बेटा? ये जो हम, लेकिन हमारे लिए जो मोस्ट यूज़फुल है, इंडिया का, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमें वहाँ का एरिया पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो है हमारी इंडिया का 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10B। क्लियर? इसमें हमें फाइंड करना है एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप्स इन द स्क्वायर यूनिट, जो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट में फिगर बना हुआ है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। और इसमें
पहला दिया है ई साइड ऑफ स्क्वायर्स मेजर्स 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें स्केल भी दिया हुआ है कि हमें हर स्क्वायर को जो मेज़र करना है वो कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमें फिगर के अंदर का पार्ट लेना है, ठीक है, एरिया लेना है। तो फिगर के अंदर देखिए हर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर कितने स्क्वायर आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्लियर? तो इसका पूरा एरिया कितना हो गया इस फिगर का, तो इसका होगा एरिया 13, क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है और ये पूरा स्क्वायर्स है, इसलिए इसका आंसर होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी, इसमें भी आपको इसी तरह से काउंट करना है, ठीक है, और वो आपको एरिया यहाँ लिखना है। ये भी होगा यूनिट इसका स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, मैं आपको हाफ वाले भी बता दूँ एक, जैसे कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूरा कंप्लीट है, तो ये 7 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ये देखिए, ये फिगर जो हमारा है इसमें हाफ और फुल दोनों हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम अपने, ये हमारा पूरा फिगर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सबसे पहले हम कौन से फिगर को काउंट कर रहे हैं जो कंप्लीट है, ठीक है, ये 7, 8, 9, 10, 10 फिगर जो हैं हमारे वो कंप्लीट है। तो हमारे इसमें होल स्क्वायर कितना है, होल स्क्वायर से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। उसके बाद फिर अब जो हाफ या हाफ से ज़्यादा है उनको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ देखिए हाफ, ये देखिए ये हाफ से ज़्यादा है, 1, 2, ये देखिए हाफ से कम है। हाफ से कम वालों को नहीं लेना है, जो हाफ या हाफ से ज़्यादा होगा उन्हीं को काउंट करना है। तो ये 1 एंड 2, ठीक है, और इसमें है ही नहीं, ये हाफ से कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ और मोर देन हाफ, कितने हैं, 2, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे होल, मतलब जो कंप्लीट है 10 है, और जो हाफ या हाफ से ज़्यादा है 2 है, तो मतलब 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को करने हैं। चलिए मैं इसका एक और आपको करके बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, इसमें कितने हैं। तो सबसे पहले हम वैसे ही लिखेंगे होल स्क्वायर हम काउंट करेंगे। वो होल स्क्वायर इसमें हमारे पास दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 जो है हमारे पास होल स्क्वायर है, और हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर वो कितने हैं। अब आइए देखते काउंट करते हैं। ये देखिए, ये मोर देन हाफ है, 1, 2, ये देखिए 3, 4, ये पूरा हाफ है हमारा, 5, 9, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 8, जो हाफ और मोर देन हाफ है। अब हमने इनको इसलिए नहीं काउंट किया बेटा, क्योंकि ये हाफ से कम है, ठीक है, ये सब हाफ से कम है, इसलिए इनको हमने काउंट नहीं किया है। तो अब हमारा एरिया क्या हो गया, 18 + 8, 26 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरह से आप ई एंड एफ, ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप मतलब जिसका कोई शेप नहीं होता है। ईच साइड ऑफ स्क्वायर मेजर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी जो स्क्वायर दिया है इसका भी स्केल कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। तो इसे भी सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने यहाँ लास्ट वाले में किया था, ठीक है। इसमें भी पहले हम होल स्क्वायर निकालेंगे इसका। देखिए यहाँ होल स्क्वायर टोटल कितने हैं हमारे पास, वो काउंट कर लेंगे। यहाँ देखिए 1, 2,
दो, इसके बाद यहाँ देखिए ये हमारा तीन, यहाँ पे देखिए तीसरा 1 2 3, ये कंप्लीट जो है वो 3 है। उसके बाद जो हाफ और मोर हाफ, ठीक है, हाफ या मोर हाफ कितना है स्क्वायर्स, इसको काउंट करेंगे। ये देखिए बेटा ये पूरा वो नहीं है, इसलिए ये देखिए कट है, इसलिए ये 1। उसके बाद देखिए एक ये भी है 2, ये हाफ मोर देन हाफ है, ये 2, ये भी कंप्लीट नहीं है, 3 4, ये भी देखिए पूरा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 1 2 3 4, देन 5, ये हो गया हमारा 6, एंड ये भी 7, क्योंकि ये भी यहाँ से आधा कट है, तो हाफ स्क्वायर्स कितने हो गए 7। तो अब हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 3 + 7 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर। तो इसी तरह से आपको बी एंड सी भी करना है, बी एंड सी आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 में ई एंड एफ ये होमवर्क, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में बी एंड सी होमवर्क, क्लियर। तो ये बेटा आपकी आज एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एरिया और एरिया पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्मूलों के साथ पढ़ेंगे, क्लियर। ओके, थैंक यू क्लास।